हाय गाइस, सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक सीन को कैसे कंपोज करते हैं। तो बेसिकली हम एक बेगर की कंपोजिशन बनाएंगे, कहना थोड़ा अजीब लग रहा है, मतलब जिसमें एक भिखारी होगा, ठीक है, वो भीख मांग रहा होगा और कुछ लोग उसे भीख दे रहे होंगे। कॉम्पोजिशन तो कुछ भी हो सकती है। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, रफली सीन को कॉम्पोज करूँगा, ठीक है। शुरू में लाइट पेंसिल चलानी है, डार्क नहीं करना। जब सीन कॉम्पोज हो जाएगा अच्छे से, बाद में डार्क करना है। तो मैं सबसे पहले एक बैगर बना रहा हूँ जो बैठा होगा और मतलब सिटिंग पोजिशन में होगा, हाथ में उसके एक कटोरा होगा। जब आप कोई भी कॉम्पोजिशन बनाएंगे तो आपको थोड़ा उसका आइडिया होना चाहिए उस चीज़ का कि वो सीन आखिर कैसा दिखता है, ठीक है। आपकी ऑब्जर्वेशन वहाँ पर देखी जाती है कि मतलब जैसे आप जो भी सीन बना रहे हो, फिलहाल मैं जैसे बैगर की कॉम्पोजिशन बना रहा हूँ तो जो भी बैगर के आसपास क्या एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, क्या उसका क्या सामान उसके पास होता है, वो सब मुझे इसमें दिखाना होगा। एक फिगर हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड में एक पेड़ बना दूँगा, क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ क्या है, हमें पेपर को भरना है अच्छे से, ठीक है। ज़्यादा खाली जगह नहीं दिखनी चाहिए कहीं भी। तो मैं एक बड़ा सा पेड़ बना रहा हूँ उसके बैकग्राउंड में, उसके बाद कुछ और फिगर्स ऐड करूँगा। तो पेड़ भी हमारा बन चुका है। मैं एक औरत बना रहा हूँ जो कि खाना लेके खड़ी होगी, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर इंसान पैसे ही देगा, हो सकता है कोई खाना दे रहा हो, कोई कपड़े दे रहा हो, इस तरह से, है ना। तो एक औरत भी बन चुकी है। अब मैं एक आदमी और बनाऊंगा जो कि पर्स लेके खड़ा होगा, ठीक है, उसमें से पैसे निकाल के दे रहा होगा। तो अभी मैं रफली बना रहा हूँ, अभी बाद में इन्हें डिटेल करूँगा। तो रफली ऑलमोस्ट हमारा सीन कॉम्पोज हो चुका है। अब मैं फिगर के जो भी फेसेस हैं, ठीक है, हैंड्स हैं, फिंगर्स, उन्हें अच्छे से डिटेल करूँगा और वो आप देखना किस तरह से मैं करूँगा। तो अब जैसे मैं बैगर का फेस बना रहा हूँ तो मुझे ध्यान में रखना है कि एक बैगर किस तरह का दिखना चाहिए, ठीक है। उसके चेहरे पे थोड़ा सा मायूस निराश दिखे, है ना, थोड़ा सा रिंकल्स हों चेहरे पे, बूढ़ा टाइप का थोड़ा लगे देखने में कि मतलब गरीब है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, आप क्या बना रहे हो उस तरह से वो दिखना चाहिए। कपड़ों को भी मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल कर दिया है। अब मैं कटोरे में भी थोड़े पैसे रख दूँगा और इस तरह से मैंने हाथ में भी डिटेल कर दिए हैं। और ये पैर मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था, मैं थोड़ा सही करके बनाया इसी तरह से, और थोड़ी डिटेल्स डाल दूँगा, थोड़े फोल्ड्स। और अब मैं कपड़ों में थोड़े थोड़े पैचेस भी लगा दूँगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो बैगर्स होते हैं उनके कपड़े जहाँ से फटे होते हैं वहाँ पर वो थोड़े से कपड़े के थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीसेस लगा लेते हैं, ठीक है। अब एक डंडा और रख दिया मैंने पास में, क्योंकि आपने देखा होगा जो बैगर होते हैं उनके पास एक डंडा होता है ताकि जो आवारा कुत्ते होते हैं ना उन्हें परेशान करते हैं, तो उन्हें भगाने के लिए वो अपने पास डंडा रखते हैं एक। तो इस तरह थोड़ी ऑब्जर्वेशन स्किल्स होनी चाहिए। और पास में एक मैं थैला भी रख दूँगा जिसमें वो आटा चावल इस तरह से चीज़ें कलेक्ट करते हैं ना, तो उनके पास एक आपने देखा होगा एक बैग होता है। फोरग्राउंड में थोड़ी थोड़ी सी घास बना दूंगा, ठीक है। और जैसे मैंने अभी फिगर को डिटेल किया था, सेम उसी तरह से इन आंटी को भी डिटेल करूंगा। तो मैं पहले फेस बनाऊंगा, और फेस के लिए मैंने ट्यूटोरियल बना रखा है अलग से, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप देखना चाहते हैं वहाँ से देख लेना। तो बस थोड़ी थोड़ी सी डिटेल कर दूँगा सेम उसी तरीके से, और इसी तरह से मैं फिर जो ये पर्स वाले अंकल हैं उन्हें भी डिटेल कर दूँगा। तो हमारे तीन फिगर कंप्लीट हो जाएंगे। Thank you.
तो तीन फिगर हो गए हैं हमारे, मैं एक फिगर और बनाऊंगा क्योंकि बेसिकली चार फिगर चाहिए होते हैं हमें कॉम्पोजिशन में कम से कम। तो मैं एक बच्ची बनाऊंगा जो कि आंटी की साड़ी पकड़ के खड़ी होगी, ठीक है। तो बेसिकली वो आंटी की बेटी होगी और उनके पीछे पीछे जैसे बच्चे चल देते हैं तो उनके पीछे पीछे आ गई है, ठीक है। तो बस इस तरह से आपको कहानियाँ बनानी है, ठीक है। तो चार फिगर हमारे अच्छे खासे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैं कुछ एलिमेंट्स और ऐड कर दूंगा बैकग्राउंड में क्योंकि हमें पेपर को भरना है। तो मैं थोड़े से हार्ट बना रहा हूँ और छोटे बना रहा हूँ ताकि मुझे दूर दिखाना है, और इसी के साथ हमारी कॉम्पोजिशन कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं पेड़ को थोड़ा सा और डिटेल कर दूंगा, थोड़ा और डार्क कर दूंगा क्योंकि पेड़ हमारा पास में है, और कॉम्पोजिशन हमारी कंप्लीट हो गई है फाइनली, आप देख सकते हैं। और मैं अगर इसमें वाटर कलर कर दूंगा तो ये और अच्छे से निकल के आ जाएगा। सो गाइस, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ अंदाज़ा हुआ होगा कि किस तरह से एक सीन को कंपोज करते हैं। तो मैं इस तरह से और कॉम्पोजिशंस आपके लिए लाता रहूँगा, और हो सकता है मैं इसमें आपको वाटर कलर करके दिखाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप प्रैक्टिसिंग।